Now, let's move forward. अब ये क्वेश्चन आया, ठीक है, दिस इज एक्स वन ए, फिर रो वाइज एंड कॉलम वाइज, अगेन यू कैन सी क्वेश्चन इज सिमेट्रिक, तो रो वाइज सोचें या कॉलम वाइज सोचें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन सेम ही रहेगा, ये ठीक है। तो अब इसको करेंगे कैसे, इसमें आई कैन सिंपली सी, ओके, देर वॉज नथिंग कॉल्ड एक्स वन, एक्स लिखा था, तो लेट मी करेक्ट इट, ओके। हाँ, तो इसमें ऑब्जर्व करने वाला चीज़ क्या है कि रो वाइज सोचें या कॉलम वाइज सोचें, अगर मैं इन एलिमेंट को ऐड करूँ तो सम कितना आएगा, एक्स प्लस थ्री है, इसका सम भी एक्स प्लस थ्री आएगा, इसका भी और इसका भी। अगर ऐसा कहीं सिचुएशन आता है तो दिस इज़ वेरी डिज़ायरेबल सिचुएशन, बिकॉज अगर रो वाइज या कॉलम वाइज सारे एलिमेंट्स का सम बराबर आ जाए तो हमने वही ऑपरेशन लगा दिया, और जो बराबर सम आया उसको कॉमन निकाल दिया, ऐसा करने से वन 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 बच जाएगा, फिर एक वन से बाकियों को जीरो बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलम वन गोज़ टू कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री प्लस कॉलम फोर, तो ऐसा करने से केवल वन को चेंज किया, ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री ए, एक्स प्लस थ्री ए, मतलब फर्स्ट कॉलम में ये सब जोड़ दिए, तो ए ए ए एक्स, तो ऐसे करके एक्स प्लस थ्री ए आ जाएगा सब जगह, एंड दिस विल रिमेन अनचेंज्ड, ट्रिपल ए एक्स ए ए ए एक्स ए एंड ए ए एक्स, ये ठीक है। अब ऐसा करने के बाद हमने क्या किया, इसमें से कॉलम वन में से एक्स प्लस थ्री ए कॉमन निकाल दिया, ठीक है। अब ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे लिखा, अदरवाइज अगर तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस है तो ये दोनों स्टेप वी कुड हैव रिटन जस्ट इन वन लाइन, ये ठीक है। जब मेरे को ये दिख गया ना कि सम सेम आएगा तो वो इन्हें सम भी बाहर ही निकाल दिया, खैर वन वन वन, फिर ए एक्स ए ए, ठीक है। अगेन दिस इज क्या है, ये डिजायरेबल सिचुएशन है, तो इसमें व्हाट आई विल डू नाउ, अब इस वन से इन तीनों वन को मैंने जीरो बना दिया, तो मतलब मैंने क्या लिखा, आर टू गोज़ टू आर टू माइनस आर वन, आर थ्री गोज़ टू आर थ्री माइनस आर वन, आर फोर गोज़ टू आर फोर माइनस आर वन, ये ठीक है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि जो बाहर ये एक्स प्लस थ्री है वो तो ऐसे आ गया एक्स प्लस थ्री है, ठीक है। रो टू थ्री फोर चेंज हुआ है तो फर्स्ट रो चेंज नहीं होगा, ये ठीक है, बस इस पूरी रो में से इसको घटा दिया, तो एलिमेंट वाइज वन माइनस वन जीरो, ये एक्स माइनस है ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो हो जाएगा जीरो एक्स माइनस है जीरो जीरो, फिर इसमें से ये घटेगा फर्स्ट, फिर जीरो 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 एक्स माइनस ए, ठीक है। अब इन जीरो के पीछे पर्पस क्या था, किसी भी रो में या कॉलम में अगर एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो आ जाएं, जैसे इसमें आ गया, तो उसी के रिस्पेक्ट में एवेल्यूएट कर दो, तो इसके रिस्पेक्ट में एवेल्यूएट कर दिया, तो अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री है। और जो हमने इवेल्यूएशन किया तो इनका तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा नहीं, ये वन, और ये एलिमेंट जो वन है वो भी बेसिकली वन वन है, तो लोअर सबस्क्रिप्ट का सम इवन है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि सीधा सीधा कोफैक्टर और माइनर बराबर ही होगा, तो इसका हमने कोफैक्टर लिखा, तो उसके लिए इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, तो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट बचेगा, तो वो हमने डायरेक्टली लिख दिया, वन इंटू यही 3/3 का डिटर्मिनेंट, एक्स माइनस ए जीरो 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 एक्स माइनस ए जीरो जीरो एक्स माइनस ए, ये ठीक है। नाउ यू कैन सी योर सेल्फ कि ये जो नया डिटर्मिनेंट आया इसको फिर हमने फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन कर दिया, तो यू गेट एक्स माइनस ए फिर दिस इंटू दिस, तो अल्टीमेटली एक्स प्लस थ्री ए, एंड इसको ओपन किया तो यू गेट एक्स माइनस ए का क्यू, ठीक है। इसको वापस इस कॉलम के रेस्पेक्ट में इवेल्यूएट कर लो, तो आ जाएगा पहला टर्म एक्स माइनस ए, फिर ये हटा दिया ये हटा दिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस,
तो दैट इज एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और एक एक्स माइनस ए बाहर था, ठीक है, तो उसकी वजह से आंसर कितना हो गया, एक्स माइनस ए का क्यूब, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, वो ये था कि राइट हैंड साइड इज एक्स प्लस थ्री ए इन टू एफ एक्स देन फाइंड एफ एक्स, तो एक्स प्लस थ्री ए को छोड़ के, इसको छोड़ के जो भी बचा है वो एफ एक्स हो गया, तो हमारे लिए ये एफ एक्स हो गया, तो दिस इज द आंसर कि एफ एक्स इज एक्स माइनस ए का क्यूब, दिस इज द आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ तो यहाँ पे आई कैन ऑल्सो गिव यू वन रिजल्ट एंड दैट इज केयर, कोई भी डिटर्मिनेंट में केवल डायगनल एलिमेंट्स लिखे हैं, कितने बाई कितने का भी लिखा है, और बाकी सब मान लिया जीरो है, बी ठीक है, जीरो 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 जीरो, सी जीरो जीरो, डी अगर ऐसे लिखा है ये, ठीक है, तो इसका वैल्यू सिंपली ए बी सी डी होगा, ये ठीक है, केवल डायगनल एलिमेंट्स के अलावा अगर बाकी सब जीरो है तो डायगनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ही हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है, ये याद कर सकते हैं। ओके लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज दिस क्वेश्चन, ये ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, तो इफ यू डोंट माइंड आई कैन क्लियर बिट स्पेस सो द थिंग्स आर नॉट क्लटर्ड, आई गेस दिस मच शुड डू। हाँ इसी क्वेश्चन में मैं क्या बात कर रहा था कि काफ़ी क्वेश्चन में स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी कि ए से मल्टीप्लाई किया, बी से मल्टीप्लाई किया, सी से मल्टीप्लाई किया, कॉलम वाइज एंड रो वाइज निकाल लिया, ये ठीक है, मतलब क्या है। अच्छा ये हिंट कैसे लगा, एक तो हम ऐसे कर सकते, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे ही करके देख सकते हैं, दूसरा मैंने बोला कि जैसे ए बी ए सी टाइप चीज़ें दिखाई दी, देन आई शुड थिंक ओवर इट, ये ठीक है, इसी स्ट्रैटेजी के लिए रो वन को मैंने मल्टीप्लाई किया ए से, रो टू को मल्टीप्लाई किया बी से एंड रो थ्री को मल्टीप्लाई किया सी से, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा। अच्छा मल्टीप्लाई ऐसे तो होगा नहीं, बाहर भी लिखना पड़ेगा नलीफाई करने के लिए ए बी सी। अच्छा अगेन यू कैन सी कि मैं रो वाइज पढ़ूँ या कॉलम वाइज पढ़ूँ, ये ठीक है, एलिमेंट्स सेम है, जैसे वन प्लस ए स्क्वायर ए बी और ए सी फर्स्ट कॉलम में, और रो में भी ऐसे वन प्लस ए स्क्वायर ए बी एंड ए सी, तो इस क्वेश्चन में इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम रो वाइज ऑपरेशन लगाएं कॉलम वाइज, दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा, तो मैंने यहाँ पे रो वाइज लगाया जिसका कोई लॉजिक नहीं, यू कैन ऑल्सो अप्लाई कॉलम वाइज, ये ठीक है। तो फर्स्ट रो को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा ए प्लस ए क्यूब ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, दूसरे को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब बी स्क्वायर सी, तीसरे को सी से सी प्लस सी क्यूब, ये ठीक है, ये तो हमने रो वाइज मल्टीप्लाई किया, अब कॉलम वाइज निकाल लिया, कॉलम वाइज निकाल लिया उसका क्या मतलब है, यहाँ से ए निकाल दिया, यहाँ से बी निकाल लिया, यहाँ से सी निकाल लिया। ओके तो अगर यहाँ से ए निकाला, मतलब अब हमने क्या किया, कॉलम में से ए निकाला, कॉलम टू से बी निकाला, कॉलम थ्री से सी निकाला, एंड दिस यू कैन नोटिस कि ओरिजिनली यहाँ से बी कॉमन नहीं आ रहा है, वन प्लस बी स्क्वायर से बी कॉमन नहीं निकलेगा, मतलब निकलने के तरह निकाल सकते हैं वन अपॉन बी प्लस बी लिख के, बट एज सच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सीधा सीधा, बट रो वाइज ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद कॉमन फैक्टर आ जाएगा, पहली रो में से दिख रहा है मेरे को ए कॉमन आ जाएगा, तो ए बी सी कॉमन नहीं ले लिया, तो यहाँ पे ए कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस विल बी ए स्क्वायर वन प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर वन प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। ओके तो लेट मी अगेन मेक सम स्पेस, ये क्वेश्चन था, तो ये जो बाहर ए बी सी और ए बी सी था ये ठीक है, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, अब इधर आ गए, इसमें मैंने देखा डिटर्मिनेंट में ये एक नया डिटर्मिनेंट आ गया,
इसमें यू कैन सी कि अगर मैंने फर्स्ट कॉलम में ये सब जोड़ा, ठीक है, तो पहला एलिमेंट कितना आएगा, वन प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब वन प्लस थ्री ए स्क्वायर। दूसरी रो में एलिमेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर वन प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, तो नेट सम कितना आ गया, वन प्लस थ्री बी स्क्वायर। सो दिस इज नॉट हेल्पिंग बिकॉज जो सम आ रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। पहले में तो आया वन प्लस थ्री ए स्क्वायर, दूसरे वाले में आया वन प्लस थ्री बी स्क्वायर, तो ऐसे करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। बट यू कैन सी अगर मैंने कॉलम सॉरी रो वाइज जोड़ा, मतलब फर्स्ट रो में बाकी दो रो ऐड करें, तो आएगा वन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे भी ए स्क्वायर वन प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये सम कांस्टेंट आ गया। सो दिस इज़ डिज़ायरेबल। तो पहले तो मैंने क्या किया था, इससे पहले क्वेश्चन मैंने तुम्हें पूरा करके दिखाया था, मतलब व्हाट आई हैव रिटन, रो वन गोट्स टू रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री। ऐसा करने से रो वन में वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही वन प्लस इसको मैं लिख दूँ सिग्मा ए स्क्वायर, ये ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर वन प्लस बी स्क्वायर वन प्लस सी स्क्वायर, ये ठीक है। सिग्मा ए स्क्वायर मतलब वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि रो वन में से वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बाहर इतना आ गया, और रो वन में आई एम लेफ्ट विद वन 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 बी स्क्वायर सी स्क्वायर वन प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो जैसा हमने शुरू में बोला था, दिस इज़ आर डिज़ायर्ड फॉर्म। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद इस वन की हेल्प से इन दोनों को जीरो बना दिया, ठीक है। सो वन प्लस लेट मी राइट हियर, तो इसको मैं लिख दिया वन प्लस सिग्मा ए स्क्वायर। सिग्मा ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इस वन की हेल्प से इनको जीरो बनाना है। तो ये वन मतलब कॉलम वाइज ऑपरेशन लगेगा, तो कॉलम टू गोज टू कॉलम टू माइनस कॉलम वन, कॉलम थ्री गोज टू कॉलम थ्री माइनस कॉलम वन, दैट मीन्स कॉलम वन विल रिमेन अनचेंज्ड, और इसमें से इसको घटा दिया तो जीरो, वन प्लस बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया वन जीरो, दिस विल बी जीरो, सी स्क्वायर तो यू कैन सी यहाँ पे ये एलिमेंट वॉज बी स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे गलती से क्या लिख दिया सी स्क्वायर, सो दिस इज बी स्क्वायर ओनली। इस पूरी रो में बी ही है, ठीक है, तो अगर बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर माइनस दिस बी स्क्वायर विल बी जीरो ओनली, फिर वन प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर विल बी वन। तो ऐसा करने से पहली रो में दो जीरो आ गए, तो इसके रिस्पेक्ट में इवेल्यूएट करिए, तो वन इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वन प्लस सिग्मा ए स्क्वायर वन इंटू वन माइनस जीरो, मतलब नेट वन ही आ गया, तो नेट आंसर इज ये, दिस इज आर आंसर, एंड यू कैन सी दिस इज व्हाट वी वर सपोज टू प्रूव। कहाँ गया ये, यही प्रूव करना था, तो आंसर हो गया हैंस प्रूव।